सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाए परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में शौचालय निर्माण कार्य में भारी अनियमितता उजागर हुई है। प्रखंड का बोड़ी पंचायत ODF घोषित है, पर यहां बनने वाले 958 शौचालय में से मात्र 200 शौचालय धरातल पर उतर सका है। शेष कागजों की मकड़ जाल में है, जिसके निर्माण के लिए पैसे की निकासी भी कर ली गई है। शौचालय निर्माण की जांच के बाबत जब ग्रामीणों ने पलामू उपायुक्त से आवेदन देकर गुहार लगाई, तो जिले से परियोजना पदाधिकारी, सहायक परियोजना पदाधिकारी व सहायक अभियंता की गठित टीम ने बोड़ी पंचायत में पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। इससे मीडिया को दूर रखा गया, जिस पर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच होने पर संदेह व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार से की है। कई ग्रामीणों ने कहा कि शौचालय बना नहीं और समूची राशि निकाल ली गई, पैसा भी नहीं मिला। शौचालय पास हो गया बोला, शौचालय पास भी हो गया। अच्छा, पैसा अभी तक नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला। पैसा निकल गया है खाता से? हाँ, पैसा निकल गया है। बोलते हैं तो कहता है कि दूसरे के खाता में 1300 कुछ रुपया डला रहा था, वो मेरा खाता में फिर नहीं डला है। तो पैसा कौन निकाले? अब पता नहीं चल रहा है क्या निकाला, कौन तक उन्हें बता रहा है कि अथी निकाला है कोरोना। अच्छा, क्या मामला है? हमारा पंचायत जो बोड़ी पंचायत है, यहाँ पर लगभग 958 शौचालय का निर्माण कागजी प्रक्रिया पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि यानी हमारा जो पंचायत है पूरी तरह से ODF हो चुका है, और यहाँ मात्र 100-200 शौचालय ही ऐसा है जो बना हुआ है, वो भी किसी काम का नहीं है, और बाकी शौचालय कागज प्रक्रिया के माध्यम से पूरा हो चुका है। और इस पर हम लोग DC महोदय के पास एप्लीकेशन दिए थे, और उसका कार्रवाई जो है बोल सकते हैं चेक हो रहा है। और उसमें और हमारे गांव में शौचालय सरकारी लाभ मिला था, शौचालय हमारा नहीं मिला। और जब पता चला कि हमारा शौचालय सेक्शन हो चुका है, तो सप्लायर हमारे पास आए, कहे कि जे कुछ पैसा ले लीजिए, आप हाला हुकुर मत कीजिए। तो हम उनसे बोले कि नहीं, हमको शौचालय बनना चाहिए, आप बनवा दीजिए, या तो मान लीजिए कि ऐसा क्यों किए। तो वो बोले कि नहीं, हाला हुकुर मत न करा, तू शांत रहा, बन जाए, चिंता मत करा। तो हम कहे कि नहीं, हम लोग के बनना चाहिए, हमारा केवल बनना चाहिए, यही बात है। और हमारे हम लोग जानकारी किए तो फिर नहीं, इसमें कुछ सप्लायर नहीं किए तो हम लोग आगे बढ़े। तो जिला से टीम आए हैं, आज जांच कर रहे हैं हम लोग के बीच। अब जो न्याय मिलेगा हम लोग के सरकार के द्वारा, न्याय हम लोग के चाहिए, या शौचालय बनना चाहिए कि सब खा करके ध्वस्त करना चाहिए, यही मेरा बात है। आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब खा करके ध्वस्त किया जा रहा है? तो मान लीजिए कि अब वो बोलते हैं कि जे नहीं अथी हो जाएगा, तो कहाँ हो ही नहीं रहा, ये प्रक्रिया पूरा हो चुका है, कागजीय प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं।